इंटरनेशनल मैचों में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और आईपीएल में सबसे बड़ी राइवलरी मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का मैच नहीं देखा तो क्या देखा। हाँ गाइस, आज होने वाला है आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी टीम के बीच घमासान होने वाला है, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस के सामने चेन्नई सुपर किंग रहने वाली है। और गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर चेन्नई को कौन कौन से प्रिकॉशंस की जरूरत है अगर इन्हें मुंबई को हराना है, अपनी लगातार छठवीं जीत हासिल करना है, तो इन चीजों से इन्हें परहेज करना पड़ेगा। और साथ में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कौन से खिलाड़ी को इन्हें लाना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। यानी काफी डिटेल वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो अभी लेके पूरा एंटायर एंड तक देखेगा। और गाइस, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाइए नीचे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पहले चीज के बारे में जिसे चेन्नई को खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा, और ये चीज रहने वाली है ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेके। यहां मैं बात करें तो चेन्नई सुपर किंग का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा बेहतर खेला है आईपीएल 2021 में, अब तक की बेस्ट टीम की जो ओपनिंग जोड़ी दिखती हुई नजर आई। बस सेम टू सेम यही चीज कंटिन्यू करना है इस मुकाबले में भी, सीधा सीधा कंटिन्यू कर दे 10 ओवर तक ये या फिर 8 ओवर तक ये अच्छी से ओपनिंग जोड़ी अगर चल जाती है तो आप ये अच्छी तरीके से समझ जाइए कि जो चेन्नई सुपर किंग की टीम रहने वाली है वो ड्राइविंग सीट पे रहने वाली है। और इस तरीके से ये पहला चीज है जो कि चेन्नई जरूर से देखती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद फाइनली तो बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में, और गाइस ये रहने वाला है आज के पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर बात कर लूं आज के पिच रिपोर्ट की तो दिल्ली में मुकाबला होने वाला है, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। और पिच की बात कर लें तो यहाँ पे काफी बुरी पिटाई होती है बॉलर्स की, क्योंकि ये छोटा सा मैदान है, शायद साइज की बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ 60 मीटर के, यानी काफी बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। यहाँ पे बॉलर्स बचते फिरने वाले हैं। इस वजह से बात करें तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें, पार स्कोर की बात करें, तो वो 180 रन रहने वाला है। यानी ये काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है, काफी अच्छी तरीके से इस मुकाबले में हमें चौके छक्के देखने को मिलने वाले हैं, एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे जाने वाली है। और इस तरीके से ये चीज रहने वाली है जो कि पिच रिपोर्ट को काफी ज्यादा साधती है। उसके बाद फाइनली हम बात करने वाले हैं तीसरे चीज के बारे में, और ये जुड़ी हुई है चेन्नई के स्ट्रैटेजी को लेके। अगर मुंबई इंडियंस को यहाँ पे अपने फांसे में लाना है तो इन्हें कुछ स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले रोहित शर्मा को इन्हें रोकना पड़ेगा, उसके बाद क्विंटन डिकॉक को रोकना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव भी अच्छे लय में दिख रहे हैं। अगर बात करें पोलार्ड की तो पोलार्ड हमेशा से चेन्नई पे भारी पड़ते हुए आए हैं, और इस तरीके से एमएस धोनी को कुछ अलग ही माइंडसेट यहां पे प्लान करने पड़ेगा। हार्दिक पांड्या अभी तक चेन्नई में फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें भी दिल्ली का विकेट मिलेगा इन्हें भी काफी रास आने वाला है। और साथ में जसप्रीत बुमराह को इन्हें काफी अच्छी तरीके से झेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। इतने चीज को अगर चेन्नई संभाल लेती है तो ये ऑटोमेटिकली इस मुकाबले में फतह हासिल कर लेंगे, और इस तरीके से ये रहने वाली स्ट्रैटेजी अगली स्ट्रैटेजी रहने वाली है जो कि चेन्नई को काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। फाइनली में बात करने वाले हैं अगले न्यूज को, और गाइस ये जुड़ी हुई है पॉइंट्स टेबल को लेके। पॉइंट्स टेबल में कल आरसीबी हारी तो इस वजह से ये नंबर वन पे नहीं आ पाए, चेन्नई पूरी तरीके से विराजमान है। अगर चेन्नई आज का मुकाबला हारती भी है तब भी इन्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, अपनी पोजीशन बरकरार रखने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें मुकाबला कर मुंबई को हराते हैं, ये इनका जो एक पाव है वो पूरी तरीके से प्लेऑफ में पहुंच जाएगा, क्योंकि 12 पॉइंट्स अगर हो जाएंगे चेन्नई के तो आप समझ सकते हैं कि ये चेन्नई पूरी तरीके से प्लेऑफ में काबिज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मुंबई जीतती है तो इन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ये नंबर 3 के पोजीशन पे चले जाएंगे। इस तरीके से दोनों टीम के लिए मुकाबला काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है, और देखना होगा कि आखिर पॉइंट्स टेबल पे क्या भगदड़ मचती हुई नजर आती है। फाइनली हम बात करने वाले हैं अगले चीज के बारे में, और ये जुड़ी हुई है हरिशंकर रेड्डी को लेकर। मैं लगातार वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर चेन्नई को अपना डेथ बॉलिंग सुधारना है तो हरिशंकर रेड्डी को जरूर फैलाना चाहिए। ये डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हैं, अच्छी काफी गेंदबाजी करते हैं, नए गेंद से गेंदबाजी करते हैं। यानी पूरी की पूरी चीज जो कि मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह का ये कॉपी है, वो वीडियोस काफी अच्छी तरीके से आपने पसंद भी किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को बैठा दीजिए। इन्हें कम से कम एक खिलाड़ी को जरूर से मौका मिलना चाहिए, हरिशंकर रेड्डी को इन्हें एक मुकाबले में मौका देना चाहिए। अब देखना होगा चेन्नई इन्हें खिलाती है नहीं खिलाती है तो बाद की बात है, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि इस खिलाड़ी को आखिर में मौका मिल जाना चाहिए। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले अगली खबर को लेकर, और गाइस ये प्लेइंग 11 की जुड़ी हुई है। अब फाइनली में छोटी सी बात कर लेते हैं एक बार चेन्नई की आखिर बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं फाफ डुप्लेसिस के साथ ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 का पोजीशन संभालने वाले हैं मोइन अली, चौथे पे आने वाले हैं सुरेश रैना, पांचवे की अगर बात करें तो यहाँ पे अम्बती रायजू की एंट्री हो सकती है, उसके बाद एमएस धोनी, जडेजा, ये पूरी तरीके से अच्छी है। उसके बाद फाइनली बात करने वाले बॉलर्स की तो यहाँ पे सैम करन आने वाले, शार्दुल ठाकुर की जगह पे मैं लगातार बोल रहा हूँ
कि हरिशंकर रेड्डी को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद बात करो दीपक चाहर और साथ में लुंगी एनगेजी। लुंगी एनगेजी स्लैश यहाँ पे आप इमरान ताहिर को भी देख सकते हैं, क्योंकि इमरान ताहिर भी एक तरीके से बेंच स्ट्रेंथ रहने वाले हैं। अगर एक स्पिनर को अगर ऐड करना चाहती है चेन्नई तो इमरान ताहिर को खिला सकती है, नहीं तो लुंगी एनगेजी के लिए परमानेंट जो कि खिलाड़ी हैं प्लेइंग में रहते हुए नजर आए हैं। सो गाइस ये थी आज मैच नंबर 27 की कुल स्ट्रैटेजी, कुछ यहाँ पे प्लानिंग जो कि मैंने आपको आगे जाहिर किया है। सो गाइस आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतने वाला है, आपकी जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस।